सियालकोट डीएसपी सदर सर्कल इमरान अब्बास चदड़ की मनशियात फरोशों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। भारी मकदार में मनशियात बरामद, तीन मुजमान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिए गए। तफसीलात के मुताबिक डीपीओ सियालकोट हसन असद अलवी की खसूसी अहकामात पर डीएसपी सदर सर्कल इमरान अब्बास मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैक डाउन जारी रखते हुए एसएचओ थाना सदर सियालकोट की टीम के हमरा मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई की। मुख्तलिफ कार्रवाईयों के दौरान मनशियात फरोशी में मुलव्वस तीन मुजमान को गिरफ्तार कर लिया। सदर सियालकोट पुलिस ने गिरफ्तार मुजमान के कब्जा से मजमुई तौर पर 12 किलो 360 ग्राम चरस बरामद की। पहली कार्रवाई के दौरान वहाब मंसूर व मंसूर अहमद सकना दहारेवाल मुजिम को गिरफ्तार करके उसके कब्जा से 9 किलो 600 ग्राम चरस बरामद की, जबकि दूसरी कार्रवाई में मोहम्मद यूनस वल मोहम्मद दीन सकना बाबे बेरीवाला से 1 किलो 320 ग्राम चरस बरामद। तीसरी कार्रवाई में अरसनान वल अरशाद सकना पक्की कोटली से 1 किलो 440 ग्राम चरस बरामद। तमाम मुजमान के खिलाफ मुकदमात के इंदराज के बाद तफ्तीश शुरू कर दी गयी। मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। इसी सिलसिला में स्पेशल सर्च ऑपरेशन किए जा रहे हैं और खास तौर पर जो मेन डीलर हैं, जो मेन सप्लायर हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है। इसी सिलसिला में रेड किया गया है नाका थाना सदर में मुख्तलिफ जगहों पे, वहां से तकरीबन 12 किलो मनशियात बरामद की गई है और अब खास तौर पर इन मुजमान को डायवर्ट किया जा रहा है ताकि वो पूरे नेटवर्क को ब्रेक किया जाए जो ये लानत मुआशरे में फैला रहे हैं और खासतौर पर सियालकोट में ये मनशियात सप्लाई करते हैं। इंशाल्लाह जो पूरा नेटवर्क है उसे खत्म किया जाएगा, उसे पकड़ा जाएगा ताकि जो मेन सप्लायर है उन्हें रोका जा सके और लोगों को महफूज रखा जा सके।